स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने झाबुआ में बड़ा बयान दिया है। बावरिया ने कहा है कि पार्टी की सरकार बनने पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से ही कोई एक मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सीएम बनने की संभावना को भी खारिज करते नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया हाल ही में झाबुआ में एक बड़ा बयान देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों में से कोई एक आगामी दिनों में मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस की ओर से जो चेहरा होगा वो मुख्यमंत्री का इन दोनों में से कोई एक होगा। हालांकि अटकलें बहुत लंबे अरसे से की जा रही थी और चुनावी माहौल में जाहिर तौर पर इस तरीके का स्टेटमेंट देना बहुत मायने रखता है। ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट ब्यूरो हेड अनिल सिंह कुशवाहा जी फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अनिल सिंह जी, अटकलें बहुत लंबे अरसे से चली आ रही हैं कांग्रेस में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य को लेकर, लेकिन अब ये स्टेटमेंट कितना मायने रखता है? देखिए बुसरा, दीपक बावरिया का ये काफी बड़ा बयान है और कांग्रेस की राजनीति में कह सकते हैं ये दूर तक जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी उसी समय ये मान लिया गया था, ये संदेश प्रदेश कांग्रेस में भेजा गया था कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। और आमतौर पर होता भी है कि अध्यक्ष जो होता है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं और जो जनता है उस अध्यक्ष को देखकर ही मध्य प्रदेश में या चुनाव में कैंडिडेट को चुनती है, तो ऐसे में अध्यक्ष की दावेदारी ज्यादा होती है। कमलनाथ खेमा इसी दावेदारी को लेकर इसी तैयारी के साथ कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के अगले सीएम होंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो इसी तैयारी के साथ उनका खेमा जुटा हुआ था तमाम जगह। लेकिन दीपक बावरिया ने जो आज जो बयान दिया उसने साफ कर दिया है कि कमलनाथ के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम चेहरा हो सकते हैं सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो कह सकते हैं कि एक खेमा और जो निराश हो गया था सिंधिया का, वो खेमा भी अब उत्साहित होगा और ये कांग्रेस के अंदर जो सीएम वर्सेस जो तमाम जो नेताओं की जो झगड़े चलते हैं वो कहीं ना कहीं और बढ़ने की संभावना है। एक पहलू और आपने देखा होगा, झाबुआ में उन्होंने ये भी कहा है कि दिग्विजय सिंह कहीं से भी सीएम चेहरा नहीं है, ये इस अटकलों को भी खारिज कर दिया है। जबकि जिस झाबुआ में ये बयान दे रहे थे वो कांतिलाल भूरिया का क्षेत्र है और कांतिलाल भूरिया दिग्विजय सिंह के खास समर्थक बताए जाते हैं, माने जाते हैं, उनके समर्थक हैं। तो कह सकते हैं कि बावरिया ने काफी महत्वपूर्ण और बड़ा बयान दिया है, इसका निश्चित तौर पर दूर तक ये बात जाएगी। अनिल सिंह जी, मीडिया एनालिसिस के हिसाब से आगामी दिनों में दो चेहरों पर चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद? देखिए कांग्रेस के जो दीपक बावरिया हैं उनसे हमारी पहले भी बात होती रही, आपने देखा होगा सुरेंद्र चौधरी का नाम उन्होंने उछाला था, सागर के जो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और सुरेंद्र चौधरी को आदिवासी कोटे से उप मुख्यमंत्री का एक दाव दीपक बावरिया ने खेला था। अब उन्होंने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के नाम उछाले, उनका यह मानना है कि दोनों खेमा एक साथ होकर चुनाव फाइट करे, ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन कांग्रेस में इसका विपरीत भी असर देखा जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ खेमा में अब ये बात साफ हो गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दावेदार हो सकते हैं सीएम चेहरे के, तो ऐसे में जब टिकट वितरण होगा तो वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में अगर कांग्रेस के ज्यादा विधायक जीतते हैं तो विधायकों का पोल बड़ा मायने रखेगा, तो ऐसे में सिंधिया और कमलनाथ दोनों नेता ही चाहेंगे कि उनके ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट मिले ताकि जब नतीजे सामने आए तो उनका पक्ष भारी रहे, तो ऐसे में कह सकते हैं ये दीपक बावरिया का बयान उल्टा भी जा सकता है। अनिल सिंह जी, ये कहना गलत नहीं होगा, बावरिया जी ने दो नाम तो लिए दबे लफ्जों में, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी सस्पेंस छोड़ दिया? बिल्कुल सस्पेंस छोड़ा है, लेकिन दीपक बावरिया ने ये बयान क्यों दिया? क्योंकि मीडिया उनसे पूछती है कि सीएम चेहरा कौन होगा, तो हो सकता है राजनीति में पेशेंस का बड़ा महत्व होता है, लेकिन वो उस पेशेंस को नहीं रख पाए और उनके मुंह से ये बयान निकल गया। लेकिन ये क्योंकि एक मंशा, क्योंकि आला कमान का प्रतिनिधित्व करते हैं दीपक बावरिया, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं और मध्य प्रदेश की कांग्रेस को एकजुट रखना है दीपक बावरिया के जिम्मेदारी है, तो ऐसे में बावरिया ने क्या सोचकर बयान दिया ये हो जाने, लेकिन इस बयान के कई गलत अर्थ भी निकल सकते हैं और इसको कांग्रेस को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव में एकजुटता बड़ी मायने रखती है। लेकिन एकजुटता से पहले अगर नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए जिद करने लगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भले एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ हो, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा इस बयान का भुगतना भी पड़ सकता है। चलिए शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।